नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यू जनरेशन महिंद्रा XUV500 से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि महिंद्रा अपनी जल्दी न्यू जनरेशन XUV500 को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। हमने बताया था कि ये गाड़ी जो है वो अप्रैल या मई तक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी, लेकिन अब एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इसका जो लॉन्च है वो थोड़ा और डिले हो गया, यानी कि इसके हो सकता है इससे थोड़ा बाद में थोड़ा लेट लॉन्च किया जाए। क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो है कि जो ग्लोबली मार्केट है उसके अंदर जो है सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज आ गई है, जिसकी वजह से जो है इसकी जो लॉन्चिंग है वो थोड़ी डिले हो सकती है, काफ़ी हद तक इसके चांस है। हालांकि कंपनी की तरफ से इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल डिटेल नहीं आई है, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये जो है इसका लॉन्च जो है वो डिले होने वाला है। इसके अलावा अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स और इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के अंदर मिलने वाले, तो इसके अंदर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। इसी के साथ ही अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। अब बात करें इसके फ्रंट लुक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको बिल्कुल नई डिजाइन की महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल मिलेगी, और साथ ही इसके अंदर आपको डुअल चैम्बर हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलेगी। साथ इसके अंदर आपको डुअल LED DRS सिस्टम देखने को मिलेगा। साथ ही इस यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रॉपर 7-सीटर SUV है, तो इसके यहाँ पर आप रियर में भी देख सकते हैं आपको रूफ रेल्स और शार्क पीस एंटीना के साथ ही रियर स्पॉइलर और रियर वाइपर जैसे शानदार एक्सटीरियर फीचर इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ इसके इंटीरियर की बात करें, इसके अंदर आपको डुअल टच स्क्रीन सेटअप देखने को मिला, जैसे कि आपको मर्सिडीज बेंज के अंदर देखने को मिलता है। साथ इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलेंगे, जो कि इसके टॉप वेरिएंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें इसके फ्रंट हेडलैम्प की, तो इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। इसके लोअर वेरिएंट के अंदर आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, वहीं इसके मिड वेरिएंट के अंदर आपको प्रोजेक्टर, और वहीं इसके टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको LED या SID हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको डुअल टोन इंटीरियर और सिंगल टोन कलर इंटीरियर देखने को मिलेगा, यानी कि हो सकता है इसके टॉप वेरिएंट और इसके लोअर वेरिएंट के अंदर आपको अलग अलग इंटीरियर देखने को मिले, यानी कि इसके अंदर आपको एक तो मिलेगा ऑल ब्लैक इंटीरियर और एक मिलेगा ब्लैक एंड बीच कलर का डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलेंगे। साथ इसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। साथ इसके अंदर आपको टेस्ला से जो टेस्ला की जो गाड़ी जाती है उसके जैसे ग्रैब हैंडल्स जो है वो डोर, यानी कि डोर हैंडल जो है वो टेस्ला से डिजाइन से इंस्पायर्ड आपको इसके अंदर डोर हैंडल्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और दूसरा मिलेगा आपको 2.2 लीटर का MHOG डीजल इंजन। दोनों ही इंजन के अंदर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाला है।